रिम्स में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति बहाली फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों ने रिम्स के नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। संसाधन के साथ साथ मैन पावर की कमी को लेकर के कई बार व्यवस्थाओं में बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन इसी बाधाओं को दूर करने के लिए रिम्स ने 2019 पे जो विज्ञापन संख्या 155 सी के माध्यम से एक नोटिस निकाला था, जिसमें तकरीबन 154 लोगों की वैकेंसी निकाली गई थी। 154 लोगों की वैकेंसी में कई तरह के पोस्ट थे, तकरीबन 7 तरह के पोस्ट थे, जिसमें वार्ड अटेंडेंट का भी पोस्ट था। इस दौरान जो है तकरीबन 44 लोगों का सिलेक्शन भी होता है, लेकिन चयनित सिर्फ होते हैं तो सिर्फ 24 लोग, और वो भी वैसे जिनका जो है वो आरक्षण की जो बाध्यताएं हैं उनको भी तोड़ करके जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने 2019 में इस विज्ञापन के माध्यम से अपने नौकरी को अस्थायी करने को लेकर के रिम्स में अप्लाई किया था, लेकिन आज के समय में इनको कई तरह की गड़बड़ियों की जानकारी मिल रही है। क्या गड़बड़ी आखिर हुआ क्या कि इसमें जो वैकेंसी निकली थी, जो 24 का जो लिस्ट निकला गया है वो 24 भी पूरा गलत निकला गया, क्योंकि वो लोग SC ST है, OBC 1 है, OBC 2 है, ठीक है, वो लोग सर्टिफिकेट भी SC ST का लगाया है, लेकिन वो लोगों का जो लिस्ट निकला है कल शाम को जो 4 बजे, ठीक है, वो सबको जनरल कोटा में डाल के किया गया है, और जनरल कोटा वाले हल्लुंग है, तो हल्लुंग कहाँ जाएंगे। कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? 24 जन का सिलेक्शन, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। 4th ग्रेड वार्ड अटेंडेंट जी। क्या हुआ फिर, आप लोग यहाँ पर आए कब, ये लिस्ट कब लिया? 2019 की वैकेंसी है। कल शाम को 9 तारीख को 24 लोग को लिस्ट निकला है, 44 का फाइनल लिस्ट था जिसमें 24 का निकला है, ठीक है, बाकी लोग अभी कुछ बताया नहीं गया है। क्या हो गया कि आखिर बाकी लोगों के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पा रही, कि आखिर 44 का लिस्ट निकला था, सिलेक्शन हो चुका था, तो फिर सिर्फ 24 का ही क्यों लोगों ने सिलेक्शन किया, क्यों काटा गया? अब इसके पीछे तो क्या मंशा है रिम्स के, या तो हम लोग कोर्ट में केस किए थे इसके चलते बदला लिया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, हम लोग को तो जानकारी इस प्रकार की तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो रिम्स प्रबंधन जवाब देगा। हाँ, कोर्ट का आदेश था कि अगर जो कैंडिडेट अगर सही पाया गया उसको आप लीजिए, जो अगर गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए। एनसी के हिसाब से कुल 44 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 44 में भी से सिर्फ 24 लोगों को नियुक्त जो रिम्स प्रबंधक ने जो है वो नियुक्ति दी है, और उसके बाद अन्य जो लोग हैं 20 लोग उनकी नियुक्ति इस पूरे मामले पर नहीं हो पाई। देखिए क्या वैसे स्टूडेंट को छाटा गया जो इस पूरे मामले को लेकर के मुखर होकर के इस पूरे विवाद पर सामने आकर के अपनी बातों को कह रहे थे, या फिर रिम्स में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल में ये सारे जो अभ्यर्थी हैं वह फंस गए। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।